हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हर घर पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। एक कंप्यूटर इनपुट यूनिट सीपीयू, आउटपुट यूनिट से मिलकर बनता है। सीपीयू के अंदर अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, कंट्रोल यूनिट आता है और मेमोरी यूनिट आता है। नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसका मैं फ्लो आपको बताऊंगा किस तरह से जो है हमारी इनपुट आती है और किस तरह से आउटपुट हमारे पास हमें आउटपुट यूनिट के जरिए दिखाई देती है। तो सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें हमारी कोई भी इनपुट आती है वो इनपुट यूनिट के थ्रू आती है। इनपुट यूनिट कुछ भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकती है, माइक्रोफोन हो सकता है, अलग अलग इनपुट डिवाइसेस जो हैं इनपुट यूनिट के अंदर आते हैं। इनपुट यूनिट में हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो और इनपुट यूनिट के जरिए हम सीपीयू के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो इनपुट यूनिट के जरिए हमारे सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट के पास जाती है। कंट्रोल यूनिट जो है उसको चेक करता है कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो भी डाटा है या जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके पास आई हैं उसको प्रोसेस करने के लिए वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज देता है। उसका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो वापस कंट्रोल यूनिट के पास आता है। वहाँ से वो कंट्रोल यूनिट उसको या तो हमारे जो भी स्टोरेज यूनिट है वहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर देता है। अब कंट्रोल यूनिट जो है हमें आउटपुट दिखाता है आउटपुट यूनिट के थ्रू। तो जो भी आउटपुट है वो कंट्रोल यूनिट आउटपुट यूनिट के थ्रू हमें दिखाता है, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। आउटपुट यूनिट में हमारे पास जो कॉमनली यूज आउटपुट यूनिट है वो है मॉनिटर, या हम प्रिंटर भी कह सकते हैं। प्रिंटर में हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट आ जाती है, उसको हम अपने किसी के साथ भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये था जो फ्लो है, कैसे हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है, कैसे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कैसे काम करता है, उसके बारे में था। नेक्स्ट इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट और डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। इट कन्वर्ट द एंटर डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। इनपुट यूनिट जो है, या कोई उसको हम डिवाइस भी कहते हैं, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। इट कन्वर्ट द एंटर डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। जितने भी इनपुट यूनिट हैं वो क्या करते हैं, डाटा को कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जिसको कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म को समझता है। तो हमारे जो भी डाटा एंटर करेंगे वो उसको कन्वर्ट कर देगा जीरो और वन की फॉर्म में। द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट यूनिट में एक या एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस से मिलकर बनता है। कीबोर्ड जो है वो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। अदर इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास माउस आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाती है, लाइट पेन आ जाता है, डिजिटल कैमरा आ जाता है, बार कोड रीडर आ जाता है, माइक्रोफोन इत्यादि, और भी अलग इनपुट यूनिट्स हैं।
तो यहाँ पे कुछ हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड, ये जॉयस्टिक इस तरह से दिखती है, ये बारकोड रीडर है, ये हमारे पास माउस है, उसके बाद ये हमारा स्कैनर है, उसके बाद हमारे पास डिजिटल कैमरा है, और ये हमारा माइक्रोफोन है। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द कंट्रोल यूनिट एंड ALU ऑफ द कंप्यूटर आर टुगेदर नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो है वो कंप्यूटर का एक दिमाग है, जो दिमाग की तरह काम करता है। कंट्रोल यूनिट और ALU जो है वो इकट्ठे मिलकर जो है CPU बनाते हैं। CPU इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शन, इट रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। CPU जो है वो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोसेस करता है, और ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है उनको चलाता है। तो CPU के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो आपको इस तरह से दिखाई देता है। ये प्रोसेसर का ऊपर वाला हिस्सा होता है और नीचे वाला आपको इस तरह से दिखाई देगा, अगर आप जो मदरबोर्ड है वहाँ से उसको चेक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। CPU के तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड इज कंट्रोल यूनिट, और थर्ड इज मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक डिजिटल सर्किट है। ALU परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सर्टन कंपैरिजंस। ALU एक डिजिटल सर्किट है जो अलग अलग तरह के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जमा, किसी चीज़ को घटाना या गुणा करना या भाग करना आता है, और कुछ कंपैरिजन जो हैं, कोई दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस और इक्वल टू के साइंस, वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उसके अंदर आते हैं और, एंड, एक्सॉर एंड नॉट। इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। मॉडर्न CPUs contains वेरी पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स ALUs। इन एडिशन टू ALUs, मॉडर्न CPUs contain अ कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसमें ALU जो है वो उसका कोर है, जहाँ पे सारी कैलकुलेशंस जो हैं परफॉर्म होती हैं। जो आजकल जो मॉडर्न जो CPUs हैं उसमें बहुत ही पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ALUs होते हैं। इन एडिशन टू ALUs के साथ साथ जो हैं अब मॉडर्न CPUs के अंदर कंट्रोल यूनिट भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अ CPU आर परफॉर्म्ड बाय वन और मोर ALUs। जितने भी ऑपरेशन CPU के अंदर परफॉर्म होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा ALUs के जरिए परफॉर्म होते हैं। विच लोड्स डाटा फ्रॉम इनपुट रजिस्टर्स, जो कि डाटा को लोड करते हैं जो भी इनपुट रजिस्टर होते हैं वहाँ से। अब रजिस्टर क्या है, ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज है, ठीक है, स्टोर करने के लिए एक छोटा सा एरिया अवेलेबल रहता है CPU के अंदर। नेक्स्ट इज कैसे ALU वर्क करता है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, इसको आपको ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपने इसको समझना है कि कैसे ये वर्क करता है। ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। जो भी
इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है या उसमें कोई बदलाव करते हैं, वो बाइनरी नंबर की फॉर्म में ही हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसको स्टोर करते हैं। बाइनरी नंबर मतलब वो जीरो या वन की फॉर्म में होगा। ट्रांजिस्टर स्विचेस आर यूज टू मैनिपुलेट बाइनरी नंबर्स सिंस देयर आर ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अ स्विच, ओपन और क्लोज। एक स्विच जो है उसको हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं बाइनरी नंबर्स को बदलने के लिए, उनके साथ उनमें चेंजेस करने के लिए, क्योंकि उसमें दो ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, या तो ओपन या क्लोज। ओपन ट्रांजिस्टर जो है, ओपन ट्रांजिस्टर का मतलब है कि जिसके जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। क्लोज रजिस्टर जो है वो क्या है, जिसमें करंट फ्लो करता है और वो रिप्रेजेंट करता है वन को। ऑपरेशंस कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल रजिस्टर्स। जितने भी ऑपरेशंस हैं वो पूरे होते हैं अलग अलग मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट करने के साथ। वन ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू कंट्रोल द सेकेंड वन। एक ट्रांजिस्टर को हम यूज कर सकते हैं दूसरे को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट टर्निंग द ट्रांजिस्टर स्विच ऑन और ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर। अगर हमने किसी ट्रांजिस्टर की जो ट्रांजिस्टर स्विच है उसको ऑन या ऑफ करना है, तो जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसकी स्टेट पे वो डिपेंड करेगा कि उसकी स्टेट जो है वो ओपन है या क्लोज्ड है। इसको हम कहते हैं गेट, बिकॉज द अरेंजमेंट कैन बी यूज टू अलाउ और स्टॉप करंट। इससे हम क्या करते हैं, गेट से हम करंट को या तो अलाउ करते हैं या स्टॉप करते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन है, हम बात करेंगे नॉट गेट के। अब ये क्या करता है नॉट गेट, ये एक सिंगल ट्रांजिस्टर को यूज़ करता है। ये सिंगल इनपुट को यूज करेगा और हमारे पास सिंगल आउटपुट हमें देगा। इसमें क्या होगा, जो इनपुट होगी उसके अपोजिट हमारे पास आउटपुट होगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे नॉट गेट जो है बाइनरी डाटा को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है ऑर गेट। जो जितने भी गेट्स हैं नॉट गेट को छोड़ के, वो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, और ये हमेशा टू इनपुट्स को यूज करेंगे, दो इनपुट्स इसके अंदर एंटर होंगे। द ऑर गेट गिव्स आउटपुट वन। ये आउटपुट वन जो है हमारे पास कब आएगी, जब हमारे जो दोनों इनपुट्स हैं वो या तो वन है या जीरो है, या दोनों वन है। दिस डायग्राम शोज द लॉजिक ऑफ ऑर गेट, हाउ एन ऑर गेट प्रोसेस द बाइनरी डाटा। नेक्स्ट इज एंड गेट। एंड गेट हमें आउटपुट वन तब देगा जब उसकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो क्या होंगी, वो वन होंगी। अदरवाइज हमारे पास आउटपुट जीरो आएगी, चाहे वो उसकी दोनों इनपुट जीरो हैं या वन या जीरो हैं। तो ये डायग्राम हमें बता रहा है कि कैसे जो है एंड गेट जो है बाइनरी डाटा को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट इज एक्सओर गेट। एक्सओर गेट को हम एक्सओर गेट से की तरह भी प्रनाउंस करते हैं। इसमें हमारी जो आउटपुट है वो जीरो तब होगी जब या तो दोनों इनपुट्स हैं वो जीरो हैं, या दोनों इनपुट्स क्या हैं वो वन है। अदरवाइज उसकी जो इनपुट है वो हमारे पास वन रहेगी, या तो उसकी एक इनपुट वन है या जीरो है, या जीरो या वन है। तो ये डायग्राम हमें बता रहा है कि कैसे XOR गेट जो है बाइनरी डाटा को प्रोसेस करता है। अब कंप्यूटर जो है वो केवल बाइनरी डाटा को ही प्रोसेस करता है। जब हम बाइनरी लॉजिक जो है एंड और एक्सओर और नॉट गेट के ऑपरेशंस में हैं उनको फॉलो करेंगे, तो आप एक कंप्यूटर की तरह सोचने लग जाएंगे।
डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉजिक गेट मेक इट पॉसिबल टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस. अलग अलग कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं लॉजिक गेट्स के, तो एक उससे हम जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं. बाइनरी सिस्टम के अंदर टू को 10 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 को 11 से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब जब हमने इन दोनों को ऐड करना है तो क्या होगा कि हमें दोनों को ऐड करने के लिए हमें सीरीज ऑफ और एंड एक्सॉर गेट यूज़ करने पड़ेंगे, और उससे क्या होगा वो सारी प्रोसेसिंग होगी. जो भी रिजल्ट होगा लॉजिक प्रोसेसिंग का वो आएगा हमारे पास 101, जो कि क्या है बाइनरी कोड है 5 के लिए. जो भी ये नंबर बाइनरी सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया, ये बाइनरी सिस्टम आपने आगे डिटेल में पढ़ना है कैसे जो है नंबर सिस्टम वर्क करता है, कैसे कन्वर्ट करता है किसी डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में. तो वो आप आगे इस चैप्टर में आगे एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसमें आप पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट. इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर एंड इज नोन एज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर. इट टेल्स अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू. यह जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करता है और जो भी बताता है कि किसको कौन सी इनपुट आ रही है, क्या प्रोसेसिंग उसके ऊपर होगी, उसको स्टोरेज यूनिट में सेव करना है कि नहीं करना है, उसको आउटपुट यूनिट में दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वो सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है, और इसको हम कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं. ये जितने भी दूसरे पार्ट हैं उनको बताता है कि क्या करना है. नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट. मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. मेमोरी को हम यूज करते हैं कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद. इसको हम प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं. इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्परली और परमानेंटली. इसको हम डाटा को स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से भी सेव कर सकते हैं और नियमित रूप से भी सेव कर सकते हैं. टेम्परेरी का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए वो स्टोर होता है, उसके बाद उसको हम वो वहाँ से हट जाता है मेमोरी से. परमानेंटली का मतलब है कि वो उसको हमने परमानेंटली सेव कर दिया उसको. हम वो अगर हमारे जो लाइट है अगर चली जाती है बीच में तो वो तब भी वहाँ पे स्टोर रहेगा. अगर डाटा टेम्परेरीली स्टोर किया है तो जैसे हमारे अगर लाइट या हमारा सिस्टम बंद हो जाता है तो डाटा इरेज हो जाता है सिस्टम से. कंप्यूटर मेमोरी हैज़ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी. जो रैम और रोम हैं वो प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल हैं, मेन मेमोरी के एग्जांपल हैं. ये बिल्ट इन मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर सीपीयू के अंदर ही होती हैं. जो सेकेंडरी मेमोरी है वो अलग से जो है हमें एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच करने पड़ते हैं. इसमें फिक्स्ड डिवाइसेस भी होते हैं और कुछ रिमूवेबल डिवाइसेस भी होते हैं. फिक्स्ड डिवाइसेस में सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क आ जाते हैं, और रिमूवेबल डिवाइसेस में पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क इत्यादि आते हैं. नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट और डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच द रिजल्ट आर डिस्प्ले टू यूजर. आउटपुट यूनिट और जो डिवाइस हैं ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके जरिए हम जो भी रिजल्ट्स हैं उनको यूजर को दिखाते हैं. एन आउटपुट डिवाइस इज यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग. जो भी प्रोसेसिंग का रिजल्ट आता है उसको दिखाने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करते हैं. सम कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि. सबसे ज़्यादा जो आउटपुट डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो मॉनिटर स्क्रीन पे देखने के लिए, प्रिंटर जो भी हम कागज़ पे प्रिंट लेते हैं उसको देखने के लिए, उसको आप औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं.
अदर आउटपुट डिवाइसेस आर प्लॉटर एंड स्पीकर इत्यादि। कुछ जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इस तरह से हैं, ये आपका प्रिंटर है, ये मॉनिटर, ये प्लॉटर जिसमें अलग अलग तरह की बड़े बड़े ग्राफिक्स आप ड्राइंग्स जो हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं, एंड दिस वन इज स्पीकर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।